गाइस मरहबा, फिर से आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। गाइस तो एक्चुअली मैं आज जो है ना, मैं जा रहा हूँ गाइस शूज़ लेने के लिए। मेरा जो शूज़ है एक्चुअली मैंने लिया था मैक्स मॉल से मैंने लिया था, जो कि आगे से सोल उसका थोड़ा उखड़ गया था। अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ तारिक साहब के साथ में, वो मुझे लेने के लिए आए हुए हैं। सबका तो शायद वो लेके गए हमें। तो तारिक साहब, अभी फिलहाल हम तारिक साहब के साथ में चल रहे हैं यहाँ पर मार्केट जा रहे हैं। एक्चुअली में तारिक साहब कहाँ चलेंगे मार्केट में आज? यम्बो सिटी में, बलद में जाएंगे तारिक साहब के साथ में। तो गाइज एक्चुअली में मैं जो आज जा रहा हूँ मार्केट के लिए, और यहाँ पर अभी फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं। देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ का लोकेशन, बहुत ही प्यारा आ रहा है। ये जो दाना मॉल है यम्बो का, बहुत ही फेमस मॉल है जो रॉयल कमीशन में आता है। और आगे देख सकते हैं आप, इस तरीके से वेदर है। और यहाँ पर अभी टाइम हो गया है 4 बज रहा है। तो गाइस गुड आफ्टरनून, मरहबा, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर आदिल खान ब्लॉग्स में फिर से आपका स्वागत है। गाइस तो आज हम जा रहे हैं एक्चुअली में शूज़ बाई करने के लिए, और यहाँ का सिग्नल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए काफ़ी एडवेंचर, जैसे कि हॉलीवुड मूवीज में जो सिग्नल्स होते हैं वैसे सिग्नल लगे हुए हैं यहाँ पर। तो यम्बो का वेदर काफ़ी अच्छा है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जाने वाले हैं सी साइड में जा रहे हैं। तो तारिक साहब जो है हमें फ़िलहाल सी साइड से लेकर जा रहे हैं। तो गाइस, और एक्चुअली में गाइस आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। अभी फ़िलहाल यम्बो में आकर के हमें हो गया है 10 दिन पूरे हो गए यम्बो के अंदर, कम्प्लीट हो गया है। और यम्बो के अंदर एक महीना कंप्लीट होने के बाद गाइस आज है ना, आज यानी कि मैं बाहर बैठा था रेस्टोरेंट के, और मुझे कफ़ील का फ़ोन आया हुआ है। और कफ़ील का फ़ोन आने के बाद कफ़ील ने हमें फिर से मतलब इनवाइट किया है कि भाई आपकी जो भी डिमांड हो हम पूरी करेंगे, आप रिटर्न आ जाओ। यानी हम तीनों को उन्होंने फिर से रिटर्न बुलाया, क्योंकि उन्होंने फिर से एक नया कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा है न्यू होटल के अंदर। वो हमारी डिमांड भी पूरी करने के लिए रेडी है, लेकिन अभी उन्होंने हमें 2 दिन का टाइम दिया है। तो 2 दिन का जो टाइम दिया, तो उस 2 दिन के टाइम के अंदर हमें उनके साथ में क्लियर करना है कि हमें रहना है यहाँ या हमें जाना है। क्योंकि एक्चुअली में कफ़ील ने हमें टाइम दिया हुआ है 2 दिन, बोला 2 दिन के अंदर जवाब दें आप क्या करना है। क्योंकि अभी तक फ़िलहाल हमारा ना तो यहाँ पर कफाला हुआ है, 1 महीना हो गया है, 1 महीना 10 दिन, और ना तो कफाला का कोई एप्लीकेशन, मतलब इस बारे में अभी फ़िलहाल कोई नॉलेज नहीं है हमें। लेकिन सुनने में आया कि अभी फ़िलहाल अंडर प्रोसेस तो है बट कंफर्म नहीं हुआ है। तो वही कसम अभी फ़िलहाल हम लोग फंसे हुए हैं, यानी कि अभी क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कफ़ील ने हमें इनवाइट कर दिया, यानी कि फिर से, मतलब ऐसा नहीं है कि कफ़ील ने बोला कि तुम लोग चले जाओ तो छोड़ दो, अभी तक उन्होंने हमें छोड़ा नहीं है। यानी कि आज फ़ोन किया था और फ़ोन करके बता रहे थे कि मगर अगर आना चाहते हो नहीं बोला उन्होंने, तो डायरेक्ट बोला कि आ ही जाओ। यानी कि 2 दिन का टाइम दिया, 2 दिन का सोच कर हमें बताना है रिप्लाई। तो हमारे फिर कुछ डिमांड है, देखेंगे, हम डिमांड रखते हैं क्या होता है, आप लोगों को बताएंगे, आगे अपडेट करते रहेंगे। तो वीडियो में बने रहे गाइस आप लोग। और आज जो हम लोग सूज लेने के लिए जा रहे हैं, तो वो सूज की जो मार्केटिंग करेंगे, सूज वगैरह जो बाई करेंगे, तो वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो उस दिन जो मैंने समुंदर का जो ब्लॉग्स बनाया था, वो इसी एरिया से मैं गुजर रहा था, साइकिल से मैं इस एरिया में आया था। लेकिन आज मैं जा रहा हूँ तारिक साहब के साथ में, तो फिर यहीं पे मैं आया था इसके अंदर। ये जो फिश बनी हुई है यहाँ पर देख सकते हैं, फिश का लोगो, यहाँ पर मैं आया था। और आने के बाद मैं साइकिल से आया था यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद मैंने ब्लॉग शूट किया, जो ब्लॉग्स अभी ऑन द वे शूट हो गई है, लेकिन अभी फ़िलहाल अपलोड नहीं हुई है। हो सकता है इस वीडियो से पहले वो वीडियो अपलोड हो जाए। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यम्बो पोर्ट के बाजू से गुजरते हुए, जो कि मैं यम्बो पोर्ट में फर्स्ट टाइम आया हूँ यम्बो के अंदर, अंदर तो नहीं जा सकते। जिद्दा में जो पोर्ट था वहाँ पर बहुत ही जा सकते थे अंदर, ताकि क्योंकि वहाँ पर फिशिंग वगैरह बहुत सारी मच्छियाँ भी सेल होती थी फिश, तो वहाँ पर जा कर के बाई कर सकते थे। फिश मार्केट थी यहाँ पे भी, फिश मार्केट है अंदर पोर्ट के अंदर, यहाँ पे भी अलग से, अच्छा यहाँ पर अलग से है। यम्बो सिटी के रोड पर चलते हुए सड़क पर अभी फिलहाल
और हमारे सामने से देख सकते हैं ये ओल्ड गेट है, जैसे कि फुल पुराने ज़माने का। मौका नहीं मिला नहीं तो अंदर से होकर गुजरते थे। देखते हैं कौन सी शॉप पर लेके चलते हैं ये तारिक साहब हमको। यहाँ पर आकर के थोड़ी फीलिंग होती है वो वाली, जैसे कि लगता है कि जद्दा के अंदर आ गए हो। सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। आ गया साथ किधर है? कम रियाल माफी जी, डिस्काउंट जी और दवाई दिया था। ये गाइस अभी मैंने जूता बाय कर लिया, वो कितने का दिया इसने? 200 रियाल, कुछ भी कम नहीं किया, डिस्काउंट जरा भी नहीं दिया। माफी खसम जी, शो ये वर्ड कलम ही ना लेस माफी जी। गाइस एक रियाल उसको कम दिया तो बोलता है एक रियाल भी नहीं दे रहा मेरे को, एक रियाल 200 रियाल में ही दिया, 280 रियाल का सूज बता रहा था। या अल्लाह माफ़ी खसम अस्तग़फ़िरुल्लाह, थोड़ा भी डिस्काउंट नहीं किया। अभी मेरे को लेना था एक्चुअली, मैं सॉक्स भी लेना था। आपका बंदा चलिए क्या करेंगे यार, ना तो एक तो सूज की वेराइटी भी उतनी कोई ख़ास नहीं है। लिया मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को गाड़ी के अंदर। तो गाइस देख सकते हैं अभी फ़िलहाल मैं तो आ गया अपने मंजिल पे और आप लोगों को दिखाता चलो, मैं सोचा क्यों ना दिखा दूँ यहीं पर आप लोगों को। तो यहाँ पे जो आज हमने जो टूर बाइक किया है वो कुछ इस टाइप का है, फॉलो रेडा कंपनी का टूर है। देख सकते हैं अभी साइकिल तो बहुत खतरनाक दिया है, कैमरा को कहाँ पर हैंड करो और कहाँ पर रखो। ये सूज है इस टाइप का, जबकि मैंने 42 नंबर का लिया हो, देख सकते हैं 42 नंबर का सूज लिया होगा। एक्चुअली मैं 42 और 41 दोनों भी पहनता हूँ, लेकिन 41 जब मैं पहना तो काफ़ी टाइट हो रहा था तो 42 ले लिया हो। ये के फोलोरीना का जो ब्रांड है लेदर है, जीनियन लेदर, जो पड़ा है मुझे 200 रियाल। एक्चुअली मैं 280 बता रहा था, जो दिया है इसने 200 रियाल में, काफ़ी महंगा है। 200 रियाल देखा जाए तो समथिंग 3500 और 3600 तो नहीं, 19 का रेट चल रहा है, देखा जाए तो 3800 रुपये का, यानी 4000 मान लो, इतना महंगा सूज दिया है। देखते कब तक चलता है। तो गाइस देख सकते हैं अभी फ़िलहाल मैं पहुंच गया अपने मंजिल पे, 2 घंटा लग गया हम लोगों को वहाँ से जाकर आने के लिए बलद से। यहाँ पर सूज की जो वैरायटी है बहुत बकवास है, यम्बो के अंदर 2-4 ही सूज है, उसमें से सूज अपने को सेलेक्ट करना है, पसंद करना है। तो वो सूज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-4 सूज थे, बाकी जो लेदर के थे ही नहीं, मतलब ये जो 2-3 पीस लेदर के थे, बाकी सब डुप्लीकेट रैगजिन सूज थे, सब रैगजिन के सूज थे, तो उसमें से पसंद नहीं आया। 3-4 पीस लेदर के थे तो यही बचा हुआ था एक जो थोड़ा पसंद आया। देख सकते हैं आप लोग कैसा है सूज, कमेंट्स करके ज़रूर बताना गाइस। तो होप करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा बस इन्फॉर्मेशन देना था आप लोगों को और सूज के बारे में बताना था। तो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब कर दे, थैंक यू, मस्सलामा गाइस। तो गाइज एक्चुअली मैं उस दिन जो हमने मास्क बाय किया था, मास्क बोल रहा हूँ, मैंने जो सूज बाय किया था, देख सकते हैं ये है वो सूज जो मैं 200 रियाल में यहाँ पर बाय किया हूँ। यस यस कमिंग, तो हॉर्न भी देख रहे हैं, अभी हमारी गाड़ी आ गई है बाहर तो हॉर्न बज रही है। नबिल प्लीज़ एक मास्क दे दो, जरूर भूल गया मैं। और आज जो है ना एक्चुअली मैं, हमारे निसार साहब आए हुए हैं। यस हाँ जी चले,
गाइस तो देख सकते हैं फिलहाल हम लोग निकलते हैं फिर से ड्यूटी के लिए रेडी पोजीशन में। यस ये ना बे वेयर इज माय की मैन इधर आ बंद कर किधर रहन दो बे ओह नो शिट डोर लॉक करना बहुत जरूरी है भाई भाई कटोरों का माल अंदर है तो डोर लॉक करना जरूरी है यार क्या बात कर रहे हो आप समझ लेट तो वो खुद ही हो गया है भाई। तो ये देख सकते हैं ये भी ये यूनिफॉर्म जो हमने उस दिन टेलर के पास से सिलवाया था ये पैंट और ये शर्ट और ये हमारे निसार साहब आज आए हुए हैं गाड़ी लेकर के माशाल्लाह से लेकिन बहुत परेशान लग रहा है समझ में नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं जनाब आप